आज हम लैपोमोर्टिस लॉक कैसे फिट होता है वो देखेंगे। ये है मोर्टिस लॉक का कॉम्बो। इसमें आपको मिलेगा टू पीस हैंडल, टू पीस की होल, फोर पीस मेल फीमेल कनेक्टर स्क्रू, फाइव पीस लॉक बॉडी स्क्रू, फोर पीस स्क्रू, फोर पीस स्क्रू, वन पीस एलन की, वन पीस ब्रास सिलेंडर, थ्री पीस ब्रास की, वन पीस स्पिंडर कनेक्टर, वन पीस लॉक बॉडी और वन पीस स्ट्राइक प्लेट लॉक विद कवर। लॉक लगाने के लिए डोर की थिकनेस मिनिमम 32 mm होनी चाहिए और हैंडल की हाइट नीचे से मिनिमम 41 इंच होनी चाहिए। लॉक के अनुसार यहाँ मार्किंग करें। यहाँ हम लॉक को राइट साइड इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉक अंदर लेफ्ट साइड मोड़ना होगा। लॉक बॉडी फिट करने के लिए यहाँ हम 22 mm बाय 4 mm का ड्रिल करेंगे। उसके बाद लॉक बॉडी फिट करने के लिए 18 mm अंदर हम ड्रिल करेंगे। यहाँ ड्रिल की गहराई 85 mm तक डीप रखनी होगी। अब हम साइड हैंडल के लिए ड्रिल करेंगे। यहाँ हैंडल पिन रॉड के लिए 16 mm थ्रू होल करेंगे और टू स्क्रू के लिए 4-4 mm के ड्रिल करेंगे। की होल के लिए 16 mm और 12 mm के ड्रिल करेंगे। उसके बाद लॉक बॉडी फिट होगा। अभी दोनों साइड यहाँ की होल प्लेट पिन और स्क्रू के जरिए फिट करेंगे। उसके बाद एलन की के जरिए फिट करेंगे। उसके बाद पिन और स्क्रू से हैंडल प्लेट और मेन हैंडल फिट करेंगे। आखिर में हम स्ट्राइक प्लेट को फिट करेंगे। इस तरह से लॉक का सेटअप किया जाएगा। आप की के जरिए चेक कर सकते हैं कि लॉक में कोई प्रॉब्लम है या नहीं।